नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइस के न्यू मिनी एटीएम के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है, किस तरीके से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ट्रांजेक्शन बेस पर पैसा है। ये उन लोगों के लिए बेटर होगा जो लोग ऑलरेडी CSC वगैरह चलाते हैं या फिर एम्पोज वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। आधार कार्ड द्वारा वो अपना पेमेंट वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा ही बेटर होगा ये डिवाइस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनी ATM द्वारा जो आप पर ट्रांजेक्शन 10 रुपये जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि किस तरीके से आप 10 रुपये अर्न कर सकते हैं, कितने रुपए पर आप जो है 10 रुपये अर्न कर सकते हैं। तो आगे मैं पूरा स्लैब बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिवाइस आपको कितने में परचेज़ करनी होगी। ये डिवाइस आपको 5,999 रुपये में, यानी कि 6,000 रुपये में पड़ेगा। उसी तरीके से आप एज अ बड़े ATM के तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे, जिस तरीके से आप बड़े ATM में यूज़ करते हैं। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से कार्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बैंक का आप इसमें ऑल बैंक डेबिट कार्ड ATM एक्सेप्टेड, किसी भी बैंक का आप ATM कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में कोई भी मंथली रेंटल नहीं होगा और इसका जो सेटलमेंट होगा, जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, वो विद इन 1 डे में आपको अगले दिन सेटलमेंट हो जाएगा कमीशन के साथ। अगर आप इंस्टेंट कमीशन और अपना पेमेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं इंस्टेंट, तो कुछ चार्जेस के साथ आपका इंस्टेंट भी आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। और विड्रॉल लिमिट जो है आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कार्ड में आपके बैंक के थ्रू कितना लिमिट है। आपकी लिमिट अगर 25,000 है तो 25,000 रुपये आप इस कार्ड से निकाल सकते हैं। 50,000 की है तो 50,000 भी निकाल सकते हैं, और 1,00,000 है तो 1,00,000 भी आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि आप अगर आपके कार्ड की लिमिट 5 ट्रांजेक्शन की है बैंक की तरफ से, तो अगर आप 6 ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज लगेगा। तो अगर आपने इसमें 5 बार यूज कर लिया है तो 6ठी बार अगर बड़े ATM में भी जाएंगे तो भी आपका चार्ज डिडक्ट होगा। तो इस बात का ज़्यादातर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन लिमिट जैसे मैंने बताया कि आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कार्ड आपका लिमिट करता है। और विड्रॉल काउंट ऑन ATM ट्रांजेक्शन, जो विड्रॉल काउंट होगा वो ATM के ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा। तो मैंने जैसा कहा कि ATM के ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका जो है कि पेमेंट है, कमीशन है। और उसी तरीके से जो है कैनॉट स्वाइप कार्ड मल्टी टाइम्स, इसमें जो है एम्पोज की तरीके से आप जो है मल्टी टाइम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। केवल आप अपने कार्ड के लिमिट के हिसाब से इसको यूज़ कर पाएंगे। केवल जेन्युइन मिनी ATM के द्वारा जो काउंटिंग होगा ट्रांजेक्शन का, उसी के ऊपर जो है आपको कमीशन मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को स्लैब बता देता हूँ कि कितने रुपये का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो कितना कमीशन आप लोगों को मिलेगा। तो पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते। 1 रुपये से 199 तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई कमीशन नहीं है। 200 रुपये से 999 तक कमीशन आपको 50 पैसे मिलेंगे। और 1,000 से 1,499 तक आपको कमीशन 1 रुपया है। 1,500 से आपको 1,999 तक 2 रुपया है। 2,000 से 2,999 तक 3 रुपया है। और 3,000 से 3,499 तक 10 रुपया है। उससे ऊपर जितना भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उस पर आपको 5 रुपये कमीशन मिलेगा। तो ये है आपका कमीशन का स्लैब। और अगर आपको मिनी ATM की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे से WhatsApp के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का स्पाइस मनी के मिनी ATM का टोटल कमीशन के साथ मैंने प्राइस आपको बता दिया है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।